हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिप्स की बुकार में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग जो यहाँ पर एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं, बट दोस्तों हो क्या रहा है कि जो उनका एयरटेल का सिम है उसमें 5G एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पर यही प्रॉब्लम में है कि उनका 5G एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, और ये दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आखिर में आपका जो 5G है वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, क्या है रीज़न, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को दोस्तों कहीं से आपको छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग छोड़ देंगे तो आप लोग उस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे और बाद में आप लोग फिर कमेंट करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पर जो है कमेंट भी कर रहे थे कि जो है हमारे एयरटेल में जो मतलब यहाँ पर 5G है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। चलिए दोस्तों सबका रीजन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ, बने रहेगा दोस्तों वीडियो में पूरी लास्ट तक। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो है इस तरह का जो है नॉलेजेबल वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फिर कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सिंपल करना है क्या है, आपको अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएंगे। तो अब जो भी नंबर में आप लोग अपना सिम लगाए रहेंगे, सिम वन में, सिम टू में, तो आप लोग अपने उस सिम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम फर्स्ट वाले में लगाए हैं, हम फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें ढेर सारी ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, या फिर मिल भी रहा होगा तो आपको लिखा होगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, ठीक है, हमारे में नहीं है, आप लोगों में जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन मिलेगा, मैं साइड में आपको दिखा भी रहा हूँ दोस्तों, दूसरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पर दोस्तों आपको देखिए, आपको प्रेफर्ड जो यहाँ पर नेटवर्क टाइप पर आपको सीधे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर तुरंत आपको दिखा दिया जाएगा 2G 3G 4G, ठीक है, यहाँ पर मतलब इतना आपको दिखाएगा। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप लोग जो है यहाँ पर जो आपका रेडमी का फ़ोन होगा, ओप्पो का फ़ोन होगा, वीवो का फ़ोन होगा, ठीक है, दोस्तों अगर ये फ़ोन आप लोग यूज करते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 5G चलाने को नहीं मिल सकता है। दोस्तों अगर आप लोग जो है 5G चलाना चाहते हैं तो इसके लिए 5G फ़ोन आपको लेना अनिवार्य है। दोस्तों इस समय मार्केट में 5G फ़ोन आई हैं, इसके पहले 5G फ़ोन नहीं था, 4G तक ही था, तो वो फ़ोन में सिर्फ 4G का ही ऑप्शन दिया है, 5G का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर दोस्तों आप लोग जो यहाँ पर 5G चलाना चाहते हैं तो आपको 5G का फ़ोन लेना होगा, या फिर 5G में अपने फ़ोन को कन्वर्ट कराना होगा, तभी दोस्तों आप लोग जो है आसानी से 5G एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल करना क्या है, 5G फ़ोन लेते हैं, जैसे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको दिखाएगा 2G 3G 4G एंड 5G, उसके बाद सिंपल आपको 5G पे क्लिक करना है, आपका जो यहाँ पर 5G है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों एक बार करके, और दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।